मूवी के अंदर हमें 1947 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें विनायक राव अपने 14 साल के बेटे पांडुरंग को समृद्धि देवी के बारे में बताता है। वह कहता है कि समृद्धि देवी सोने और अनाज की देवी है और ये पूरी पृथ्वी उसी देवी का गर्भ है। जब ब्रह्मांड बना तब समृद्धि देवी ने अपनी कोख से 190 मिलियन देवताओं को जन्म दिया, जिनमें से हस्तर समृद्धि देवी की सबसे पहली और सबसे प्यारी संतान थी। लेकिन हस्तर समृद्धि देवी के सोने और अनाज का लालची था और हस्तर समृद्धि देवी से सोना तो हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह अनाज हासिल करने की कोशिश करता है तभी सारे देवता उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन समृद्धि देवी उसकी जान इस शर्त पे बचा लेती है कि अब उसकी संसार में कोई पूजा नहीं करेगा और इतिहास द्वारा उसे भुला दिया जाएगा। इसलिए वर्षों तक हस्तर अपनी माँ के गर्भ में सोता रहा। तुम्बाड़, जहाँ हस्तर अपनी माँ के गर्भ में फंसा हुआ है, लेकिन तुम्बाड़ के लोग पुरानी कथाओं और बातों को नजरअंदाज करते हुए हस्तर की पूजा करने के लिए उसे समर्पित एक मंदिर बना देते हैं, जिससे सारे देवता तुम्बाड़ के लोगों से नाराज हो जाते हैं और वो तुम्बाड़ को श्राप दे देते हैं, जिससे तुम्बाड़ पर लगातार बारिश होती और वो बारिश कभी नहीं रुकती। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि 1918 में तुम्बाड़ में विनायक की माँ अपने स्वामी की सेवा करती होती है। विनायक और उसका छोटा भाई, उन दोनों के पिता भी वह स्वामी होता है जिसकी सेवा उन दोनों की माँ कर रही होती है। विनायक की माँ स्वामी की सेवा इसलिए करती होती है ताकि वो उसे कुछ सोने के सिक्के दे दे। अपनी माँ के घर पे ना होने पर विनायक और उसके छोटे भाई को इस बात की चिंता होती है कि अब उन दोनों को ही उस बूढ़ी राक्षसी औरत को खाना खिलाना होगा, जिसे कमरे में जंजीर से बांध के रखा हुआ है। असल में वो बूढ़ी राक्षसी औरत स्वामी की पत्नी होती है और कुछ दिनों बाद उस बूढ़े स्वामी की मौत हो जाती है और तभी की माँ तुम्बाड़ छोड़कर पुणे जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन विनायक अपनी माँ को उस खजाने को खोजने के लिए कहता है जो पुरानी कथाओं के अनुसार हवेली में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन उसकी माँ उसे मना कर देती है। एक बार विनायक का छोटा भाई पेड़ से गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी माँ मजबूर होकर उसका इलाज करवाने के लिए चली जाती है। लेकिन जाते हुए वह विनायक से कहती है कि उसे रात को अपनी दादी यानी उस बूढ़ी राक्षसी औरत को खाना खिलाना होगा और वह उसे वार्निंग भी देती है कि अगर वह बूढ़ी राक्षसी औरत जाग जाए तो उसे सुलाने के लिए हस्तर का नाम लेना, बोलना कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाते समय विनायक के छोटे भाई की रास्ते में ही मौत हो जाती है और विनायक की माँ स्वामी की हवेली चली जाती है, जहाँ पर उसे सोने का सिक्का मिल जाता है। जैसे ही विनायक उस राक्षसी और भूखी बुढ़िया को खाना खिलाने की कोशिश करता है तभी वो उस पर हमला कर देती है और वो विनायक को खाने की कोशिश करती है। लेकिन विनायक हस्तर का नाम ले लेता है, जिसका नाम सुनते ही वो बुढ़िया शांत होकर सो जाती है। अगले ही दिन विनायक और उसकी माँ तुम्बाड़ को छोड़ के पुणे के लिए चले जाते हैं और वह विनायक को बोलती है कि मुझसे वादा कर कि तू आज के बाद कभी भी तुम्बाड़ लौट कर वापस नहीं आएगा। लेकिन इतना समझाने के बाद भी विनायक वहीं रुकने और खजाना खोजने के लिए जोर देता है, पर उसकी माँ उसे जबरदस्ती लेके चली जाती है। विनायक को पुणे में रहते हुए 15 साल बीत जाते हैं। अब वह बड़ा हो जाता है और इसी टाइम के बीच में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है और विनायक अपने गरीबी के जीवन से बचने के लिए वापस खजाना खोजने के लिए तुम्बाड़ लौट के आ जाता है और वह तुम्बाड़ में अपने पुराने घर में जाता है और देखता है कि वह बुढ़िया आज भी जिंदा है, अभी तक भी वह मरी नहीं है और उस बुढ़िया के शरीर से एक बड़ा पेड़ निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी वह जिंदा है। वह बुढ़िया विनायक को वार्निंग देती है कि यदि वह खजाने को ढूंढने की कोशिश में हस्तर को टच कर लेता है तो उसे अमर होने का श्राप मिल जाएगा, वह चाहे भी अपने आप को नहीं मार पाएगा और वह एक राक्षस बन जाएगा। वह बुढ़िया बताती है कि हवेली के अंदर एक गहरा कुआं है जो समृद्धि देवी के गर्भ की ओर जाता है, जहां पर हस्तर रहता है। वह बुढ़िया यह सब बातें विनायक को इसलिए बताती है कि ताकि वो उसे जला दे, जिससे उसको अपने कष्ट भरे जीवन से आजादी मिल जाए। और विनायक अपना वादा पूरा करता है, वह उस बुढ़िया को आग लगा देता है। यही एक तरीका होता है जिससे वह बुढ़िया मरकर आजाद हो सकती थी और इसी तरीके से ही शराब टूटता है। हस्तर ने समृद्धि देवी का सोना तो चुरा लिया था, लेकिन वह उनका अनाज नहीं चुरा पाता है। इसलिए हस्तर के पास सोना तो होता है लेकिन अनाज नहीं होता। इसकी वजह से हस्तर सदियों से भूखा है और विनायक एक लंबी रस्सी की मदद से समृद्धि देवी के गर्भ के अंदर चला जाता है और वहाँ पर वह हस्तर को लुभाने के लिए आटे की एक गुड़िया बनाता है और हस्तर आटे की गुड़िया को देख के उसके ऊपर झपटता है और उसे खाने लग जाता है। इसी बीच हस्तर की जेब से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। विनायक तुरंत उन सिक्कों को उठा के रस्सी पे चढ़ के देवी के गर्भ से बाहर आ जाता है और अब विनायक लगातार इसी तरह से हस्तर से सिक्के चुराता रहता है और वह अपना कर्ज चुकाने के लिए एक अफीम व्यापारी राघव को अपना पहला सोने का सिक्का देता है। और जब भी
विनायक को पैसे की जरूरत होती है वह तुम्बाड़ जाके हस्तर से सोने के सिक्के चुरा के वापस आ जाता है। और उस अफीम व्यापारी राघव ने भी यह अफवाह सुनी होती है कि तुम्बाड़ के हवेली में कहीं खजाना है। वह ये सोचता रहता है कि विनायक तुम्बाड़ की हवेली से सिर्फ कुछ ही सिक्के क्यों लेके आता है। और दूसरी तरफ विनायक और उसकी पत्नी को एक बेटा होता है जिसका नाम वो पांडुरंग रखते हैं। और जब एक अंग्रेज ऑफिसर सार्जेंट कूपर राघव को अपना कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देता है तो राघव पैसे के लिए अपनी विधवा बहू को विनायक को बेच देता है एक रखेल के रूप में, जो विनायक को राघव के प्लान के बारे में बताती है कि वह भी खजाना ढूंढने के लिए तुम्बाड़ जाने की सोच रहा है। और राघव विनायक का पीछा करते हुए तुम्बाड़ की हवेली में आ जाता है और राघव विनायक की नकल करते हुए समृद्धि देवी के गर्भ में चला जाता है। लेकिन गर्भ में हस्तर राघव के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि राघव को ये बात नहीं पता होती कि कैसे एक आटे की गुड़िया से हस्तर को बहलाकर देवी के गर्भ से बाहर आया जाता है। और हस्तर के हमले से राघव एक राक्षस में बदल जाता है और विनायक राघव के दर्द को खत्म करने के लिए उसे जिंदा जला देता है ताकि उसे भी आजादी मिल जाए। और विनायक अपने बेटे पांडुरंग को भी सब कुछ सिखा के तुम्बाड़ की हवेली में ले जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम कोई आटे की गुड़िया देवी के गर्भ में मत लाना। लेकिन उसका बेटा चुपके से आटे की गुड़िया अपने साथ लेके आ जाता है और देवी के गर्भ में पहुंचते ही हस्तर उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने आप को बचाने के लिए तैयारी कर रखी होती है और विनायक अपने बेटे को हस्तर को छूने से मना करता है। और विनायक का बेटा पांडुरंग हस्तर की कमर पे बंदी पोटली को चुराने को कहता है और इसके लिए वे हस्तर का ध्यान भटकाने के लिए आटे की कई सारी गुड़िया बनाते, यानी वे जितनी आटे की गुड़िया बनाते हैं उतने ही हस्तर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वे दोनों देवी के गर्भ के अंदर फंस जाते हैं और अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची होती है, जिसके कारण सारे के सारे हस्तर विनायक के ऊपर हमला कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठा के विनायक का बेटा पांडुरंग देवी के गर्भ से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही पांडुरंग कुएं से बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका पिता विनायक एक राक्षस बन चुका होता है और वो हस्तर से चुराई हुई सोने की पोटली को अपने बेटे पांडुरंग को देता है। लेकिन पांडुरंग उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि सोने के लालच के चक्कर में उसने अपने पिता को खो दिया होता है और वो अपने पिता को इस दर्द से आजाद करने के लिए जला देता है और वहां से चला जाता है। और अब पांडुरंग कभी सोने की लालच में तुम्बाड़ लौट के नहीं आएगा अपने पिता की तरह, क्योंकि उसने सोने के चक्कर में अपने पिता को खो दिया होता है। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।